18 जुलाई 2023 26 अपोजिशन पार्टीज ने कोएलिशन फॉर्म किया जिसको नाम दिया INDIA, दैट इज इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर द पर्पस टू सेव द डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है, जिसका मकसद सिर्फ एक ही था कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मोदी जी या बीजेपी की सरकार को सेंटर से हटाना है। इनके चार मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला, बीजेपी को हराना है 2024 जनरल इलेक्शन में। दूसरा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को बचाना है। तीसरा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। और चौथा, भारत के सेक्युलरिज्म को बचाना है। इस अलायंस का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि जिसने इसको फॉर्म किया है ना, वही इसका नाम नहीं ले पा रहा। इंडियन नेशनल Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. इस अलायंस में वो सब लोग हैं जो 5 साल तक एक दूसरे को गाली देते हैं और जब जनरल इलेक्शन आते हैं तो मोदी जी के डर से भाई भाई कह के सब एक साथ आ जाते हैं। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। अरे राहुल गांधी तुरते वाले हो तो नहीं, माझा तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक तांडा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। द व्हायलन्स दॅट टेक्स प्लेस इन बंगाल, यु नो द स्कॅम्स, द शारदा स्कॅम्स दॅट हॅव टेकन प्लेस। कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। ममता सेड दैट राहुल गांधी इज बीजेपी बिगेस्ट एसेट। सीधी बात यह है कि इस अलायंस में करप्ट पॉलिटिक्स को साफ करने वाले मसीहा केजरीवाल जी के साथ करप्शन का घाट घाट का पानी पीने वाले सब लोग आ चुके हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल से ममता दीदी, बिहार से लालू और नीतीश जी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और घोटालों की महारानी कांग्रेस। तो पहला सवाल, ये सब एक साथ कैसे और क्यों आए? इसका जवाब सीधा सा है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चमक चुकी है और G20 समिट के बाद मोदी जी पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 72% लोग मानते हैं कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। This shows as we started off mood of the nation that there is pro incumbency. सवाल नंबर दो, जब यही सारी पार्टीज मिलके UPA अलायंस पहले बना चुके हैं तो इनको अलायंस का नाम चेंज क्यों करना पड़ा? UPA, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिन्होंने भारत में 2004 से 2014 तक सेंटर में सरकार चलाई, लेकिन UPA की पहचान है उनके द्वारा किए गए स्कैम से, जिसमें पूरी ABCD लिखी जा सकती है, जैसे A फॉर आदर्श स्कैम, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, C फॉर कोल स्कैम, चॉपर स्कैम एंड कैश फॉर वोट स्कैम, T फॉर 2G स्कैम एंड S फॉर सत्यम स्कैम। बहुत बड़ी लिस्ट है, इसके ऊपर पूरी आधा घंटे की वीडियो बन सकती है। इसलिए UPA को अपनी ब्रांडिंग चेंज करनी पड़ी और उन्होंने एक नया अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया INDIA। अब ये अलायंस कितने दिन चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन नाम अच्छा लगने के बाद ही सब लोगों ने इस नाम का क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने बताया कि ये नाम राहुल गांधी जी ने सजेस्ट किया था, जिसके बाद सबने उसको एक्सेप्ट किया। Yes, the idea came from राहुल गांधी। TMC वाले बोले कि ये नाम तो दीदी ने सजेस्ट किया। She spoke that we have to name our alliances INDIA। और आम आदमी पार्टी वालों ने बोला कि ये केजरीवाल भैया ने सजेस्ट किया है। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम भूमिका निभाई है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये अलायंस मिलके मोदी जी को हरा पाएगा? तो चलिए आगे देखते हैं कि इस अलायंस में क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो पहली स्ट्रेंथ है रीब्रांडिंग नेशनलिज्म। इस अलायंस का जो नाम रखा गया है वो मोदी जी के नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए रखा गया है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से नेशनलिज्म नहीं आता, क्योंकि बार बार इस अलायंस के लीडर्स ने शो किया है कि वो कितने नेशनलिस्ट हैं। ये लोग ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लाए गए बिल को अपोज करते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं, ये आर्टिकल 370 को रिवोक करने की बात करते हैं और ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर तो भारत देश का इंटरनल मैटर ही नहीं है। 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर वन, शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला है या बायलैटरल? ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक को भी झूठ बताते हैं कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार
अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर दो, बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस अलायंस के सपोर्ट में तो है। यूपीए को 2019 के जनरल इलेक्शन में 27% वोट शेयर मिला और वहीं एनडीए को 45% वोट शेयर मिला, लेकिन नीतीश कुमार जी और शिवसेना वाले एनडीए को छोड़ के इंडिया अलायंस में चले गए, जिससे माना जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 10% वोट शेयर यूपीए का बढ़ जाएगा, मतलब इंडिया अलायंस का अप्रोक्सीमेटली 38-39% वोट शेयर बनेगा। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंडिया अलायंस की स्ट्रेंथ नंबर 3, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरे भारत में की, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस रही, क्योंकि इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई। यू नो वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज राहुल्स परफॉर्मेंस एज ऑपोजिशन लीडर, 34% सेइंग आउटस्टैंडिंग, 18% सेइंग गुड, व्हिच इज 52%। इंडिया अलायंस की स्ट्रेंथ नंबर 4, माना जा रहा है कि एंटी बीजेपी वोट पूरा का पूरा इंडिया अलायंस को चला जाएगा, लेकिन इस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए ये तो हो गई इनकी स्ट्रेंथ, लेकिन इंडिया अलायंस की बहुत तगड़ी वीकनेस भी है। सबसे बड़ी वीकनेस है कि नो फेस फॉर पीएम, जहां कांग्रेस ने मना कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई भी पीएम कैंडिडेट नहीं रहेगा, वहीं टीएमसी वाले ममता दीदी को पीएम बनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी को पीएम बनाना चाहते हैं और बिहार के लोग नीतीश कुमार जी को पीएम बनाना चाहते हैं। दूसरी वीकनेस 2014 और 2019 में भी महागठबंधन बना था, जो कि बुरी तरह से मोदी जी से हारा था। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का। वेस्ट बंगाल में टीएमसी, सीपीआई और कांग्रेस में सीट शेयरिंग कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग कैसे होगा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग कैसे होगा, बिहार में कांग्रेस और आरएलडी और जेडीयू में सीट शेयरिंग कैसे होगा, इस सब के जवाब तो मुझे लगता है भगवान जी के पास भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो अलायंस अपने नाम को लेके एक दूसरे को क्रेडिट देने लगा, सीट शेयरिंग पे इनके बीच में जूते चलने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे अपोजिशन मिलके एक अलायंस फॉर्म करता है लेकिन बुरी तरह हार जाता है। हंगरी के 2022 के इलेक्शन में और टर्की के 2023 के इलेक्शन में करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारा अपोजिशन खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी इलेक्शन जीत नहीं पाया। भारत देश में 1975 की इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी को हराने के लिए यहां का सारा अपोजिशन एकत्रित हुआ और जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई और वो टूट गई। और 1979 में इंदिरा गांधी जी ने इतनी सीट जीती जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब हम जल्दी से एनडीए की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख लेते हैं। एनडीए जो कि 38 पार्टीज का एक समूह है, जो आज भारत देश में 16 स्टेट्स में रूल कर रहा है, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनके पास बड़े बड़े चेहरे हैं, मोदी जी, योगी जी, नितिन गडकरी जी और अमित शाह जी। दूसरी स्ट्रेंथ है कि एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग बहुत तगड़ी है। किस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण सीएम बनाया और हरियाणा में एक नॉन जाट सीएम बनाया, ये देखने लायक बात है। लेकिन एनडीए में कुछ वीकनेसेस भी हैं। सबसे बड़ी वीकनेस है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी जी। दूसरी वीकनेस है कि अभी अभी उन्होंने वेस्ट बंगाल और कर्नाटक के इलेक्शंस को हारा है, क्योंकि उनके पास कोई लोकल फेस नहीं था। तीसरी सबसे बड़ी वीकनेस है कि बीजेपी का साउथ इंडिया में कोई भी होल्ड नहीं है। चौथी वीकनेस है कि एनडीए के अंदर बहुत ज्यादा करप्ट नेता आ चुके हैं, जैसे कि मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और अजीत पवार जी। इन सब के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद इनके चार्जेस को हटा दिया गया। और लास्ट वीकनेस है मिसमैनेजमेंट इन मणिपुर। बीजेपी गवर्नमेंट मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं रोक पाई। अब मैंने आप लोगों के सामने सारे स्टैट्स रख दिए हैं कि एनडीए और इंडिया अलायंस की क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। अब फाइनली हमें ही चुननी है अगली सरकार। याद रखिएगा, हमें एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो भारत देश को आगे प्रगति और उन्नति के रास्ते पे लेके जाए। हमें एक मजबूत सरकार चुननी चाहिए जो कि जल्दी जल्दी डिसीजन लेके भारत देश को डेवलप करे, ना कि कोएलिशन गवर्नमेंट जो कि बहुत ही धीरे चलती है और 10-10 साल तक कोई काम नहीं हो पाता। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप सभी को अच्छे से डिसाइड करके वोट देना होगा, क्योंकि हम अपने वोट से ही अपने भविष्य को चुन पाएंगे।